जोमैटो के डिलीवरी बॉय पर कथित हमले के आरोप का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। मामले में आज शुक्रवार को आए नए मोड़ ने इस घटना का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। जोमैटो के डिलीवरी बॉय के सनसनीखेज दावे ने सभी को चौंका दिया है। जोमैटो के आरोपी डिलीवरी बॉय का कहना है कि महिला खुद की गलती से घायल हुई थी, अपनी अंगूठी से चेहरे को घायल कर बैठी थी। वहीं महिला ने आरोप लगाया था कि ऑर्डर कैंसिल करने से भड़के डिलीवरी बॉय ने उसके चेहरे पर मुक्का जड़ा था। महिला ने वीडियो जारी कर इस घटना के बारे में बताया था। देखते ही देखते महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक पुलिस स्टेशन में जब डिलीवरी बॉय कामराज से घटना के बारे में पूछा गया, तब उसने कहा, जैसे ही मैं डिलीवरी करने उनके घर पहुंचा, मैंने उन्हें बताया कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था क्योंकि मुझे एक और ऑर्डर देना था। मैंने देरी के लिए माफ़ी मांगी। महिला बहुत असभ्य थी। उन्होंने कहा कि वह कोई बहाना नहीं सुनना चाहती उन्होंने कहा कि वह कोई बहाना नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि मैंने समय पर खाना नहीं डिलीवर किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे खाना ले लिया और यह कहते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया कि उसे बताए गए समय के भीतर आना चाहिए था। कामराज ने महिला से कहा कि खाने के लिए उसे 198 रुपये चुकाने होंगे। कामराज ने बताया, मैंने उनसे कहा कि मैं उनका गुलाम नहीं हूं और उन्हें मेरे साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। वह मुझ पर चिल्लाने लगी और कहने लगी, तुम क्या कर लोगे। अब बात करते हैं बुधवार को वायरल हुए वीडियो के बारे में। बेंगलुरु की हितेश चंद्रानी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जोमैटो डिलीवरी बॉय ने डिलीवरी में देरी के तर्क के बाद उसके साथ मारपीट की। उसने यह भी दावा किया कि कामराज जबरन उनके घर में घुस गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनके चेहरे पर मुक्के मारे। He pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him and he ran away. महिला ने कहा, वह मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि क्या मैं गुलाम हूँ, आप मुझे यहाँ रुकने के लिए कह रही हैं। यह मेरे लिए वास्तव में डराने वाला था। मैंने अपना दरवाजा बंद करने की कोशिश की लेकिन उसने दरवाजे को धक्का दिया, मेरे घर में घुसकर मेज से मेरा ऑर्डर किया खाना लिया, मुझे मेरे चेहरे पर मुक्का मारा और भाग गया। कामराज का दावा है कि जब वह खाना देने गया था, महिला उस वक्त जोमैटो कस्टमर केयर से बात कर रही थी और उसने ऑर्डर रद्द कर दिया। ऑर्डर कैंसिल होने के बाद से मुझे वापस खाना ले जाने के लिए कहा गया। जब मैंने ऑर्डर दिया, खाना वापस मांगा तो उसने मना कर दिया। इसके बाद मैंने जोर दिया और खाना वापस ले लिया। इसके बाद वह अपशब्द बोलना शुरू कर दी और अपनी सैंडल मुझ पर फेंक दी। वह मुझे मार रही थी और मैंने अपने हाथों से खुद को बचाने की कोशिश की। जब उसने मेरे हाथ को दूर धकेलने की कोशिश की तो उसकी उंगली पर एक अंगूठी थी जो उसकी नाक पर जा लगी। मैंने पुलिस से कहा कि अगर आप नाक पर कट को देखते हैं तो आप पाएंगे कि यह पंच के कारण नहीं हुआ। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप उसकी उंगली पर अंगूठी देख सकते हैं। कामराज ने कहा कि हाँ, मेरी एक गलती है कि मुझसे देरी हो गई। मामले में इस अपडेट के बाद घटनाक्रम की पूरी कहानी उलट सी गई है। पुलिस की जांच ही बताएगी कि जोमैटो का डिलीवरी बॉय सही है या महिला के आरोप सही थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।